नूरपुर के नगर परिषद हॉल में जोनल अस्पताल का कला उत्सव मनाया गया। नूरपुर के 12 स्कूलों के 160 बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद नूरपुर के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीटीसी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नूरपुर के प्रधानाचार्य चंद्र रेखा शर्मा ने की। आरएस वर्मा नूरपुर नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि कला उत्सव नूरपुर के नगर परिषद हॉल में मनाया गया, जिसमें 5 ब्लॉक के स्कूलों ने हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 60 सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हर ब्लॉक हर जोन में से 4 टीमों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल के बच्चों द्वारा अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आरएस वर्मा ने कहा कि बच्चों ने अपनी शिक्षा के साथ साथ कला को भी उभारा है। कला उत्सव जो कि हमारे कम्युनिटी हॉल नगर परिषद नूरपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 5 ब्लॉक्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और लगभग 16 जो हैं इनके कल्चर प्रोग्राम्स हैं। हर जोन में हर ब्लॉक में 5-4 टीमें हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी शिक्षा के साथ साथ आर्ट को भी डेवलप किया है और अपना अपना जो है कार्यक्रम, हर स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से बच्चों की तैयारी कराई है। मैं कामना करता हूं कि हर वर्ष इस तरह से ये पार्टिसिपेट करें और एजुकेशन के साथ साथ अपनी आर्ट को भी डेवलप करें। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नूरपुर की प्रधानाचार्य चंद्र रेखा शर्मा ने कहा कि 2015 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा द्वारा यह कार्यक्रम लगातार हर वर्ष करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं, नाटक, दृश्य कला व संगीत करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जो टीम प्रथम आई है वो जिला स्तर पर 29 सितंबर को धर्मशाला में भाग लेगी। चंद्र रेखा शर्मा ने कहा कि हमारी परंपरा में कुछ बातें लुप्त हो रही हैं, कुछ रस्में लुप्त हो रही हैं। उन रस्मों को आने वाली पीढ़ी को कैसे समझाया जाए, इस प्रयास इस मंच के माध्यम से किया गया। MHRD की ओर से कला उत्सव नाम का ये कार्यक्रम को करवाया जाता है, 2015 से विद्यालयों में करवाया जा रहा है और आज वेन्यू जो है BTC नूरपुर है, जिसे हम स्थान के अभाव के कारण कम्युनिटी हॉल में करवा रहे हैं। इसमें विजुअल आर्ट, डांस, म्यूजिक और थिएटर 4 प्रकार की प्रतियोगिताएं हुई हैं। 5 ब्लॉक जो है इसमें आज पार्टिसिपेट किए हैं। इसमें जो प्रथम टीम है वो जिला स्तर पर 29 सितंबर को डाइट धर्मशाला में भाग लेने वाली है। ये मंच ऐसा है कि यहाँ पर विशेष बच्चों को विशेष अवसर देने के लिए MHRD ने पहल की है और सबसे बड़ी बात कि हमारी परंपराओं में कुछ बातें जो कि लुप्त हो रही हैं, कुछ रस्में लुप्त हो रही हैं, उन रस्मों को आने वाली जनरेशन को कैसे समझाया जाए या कैसे बताया जाए, ये प्रयास इस मंच के माध्यम से किया जाता है कि बच्चे हमारी संस्कृति को जानें, हमारी परंपराओं को पहचानें और अपनी लोक संस्कृति से जुड़े रहें। पाश्चात्य सभ्यता जो है वो हमारे सभ्यताओं पर हावी हो रही है, उसके दुष्प्रभाव से आने वाली पीढ़ी को बचाना है, इसलिए कला उत्सव में विशेष बच्चों को आगे करने के लिए भी जो कि स्पेशल चाइल्ड है, चाइल्ड में स्पेशल नीड है, उनके विशेष अंक इसके अंदर रखे गए हैं, वो बच्चा परफॉर्म करे, उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हो, तो ये मंच ऐसे बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा करता है, एक विश्वास पैदा करता है और वो बच्चा अपनी डिसेबिलिटी को भूल करके आम बच्चों की तरह रहना सीख जाता है।